अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग, वेलकम टू रंगन भरी शाम विद मी किरण मीर केड़ाल। तव्हां जा ठीकु आहियो, खैरियत सां आहियो? ऐं अॼु जेको आहे माशाल्लाह थोरो थोरो वेदर सुठो थी रहियो आहे। गर्मी पंहिंजी जाइ ते आहे, पर हींअर तक़रीबन अधु कलाकु कलाकु पहिरियां खां जेको आहे झुड़ बि थियो आहे, ऐं शहर जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में बरसाति बि शुरू थी आहे। ऐं सिंध जी तरफ़ त ॿुधूं था त काफ़ी जाइनि ते बारिश शुरू थी वई आहे ऐं तेज़ बारिश आहे। सो अल्लाह साईं खां दुआ घुरिजे त जॾहिं बि मींहुं वसे त रहमत वारी बारिश थिए ऐं अल्लाह साईं ख़ैर करे बस। ऐं असां बि दुआ वेठा था कयूं। असां ऑफिस में वेठा आहियूं, स्टूडियो में आहियूं, हींअर तव्हांजे साम्हूं हाज़िर आहियूं, लाइव आहियूं, त मां हर हर पंहिंजी टीम खां पुछां पई त बारिश थिए थी, बारिश थिए थी, कोन थी थिए। पर हिन पासे अञा कोन थी आहे, ॿियनि एरियाज़ में त थी रही आहे। ऐं ज़रूरु तव्हां बि असांजे प्रोग्राम में शामिलु थियो, जंहिं बि शहर मां या कराची जे जंहिं बि इलाइक़े मां तव्हां कॉल कयो था त ज़रूरु अपडेट ॾियो त तव्हांजे एरिया में या तव्हांजे शहर में बारिश थी रही आहे या न। नंबर तव्हांजी स्क्रीन ते अची रहियो आहे, तव्हां असांजे प्रोग्राम में शामिलु थींदा त ॾाढो सुठो लॻंदो। अच्छा, इहा त रही मौसम जी ॻाल्हि, पर अॼु जेको आहे मुड़सनि जो, यानी जेके मर्द हज़रात आहिनि, इन्हनि जो बि ॾींहुं आहे, यानी 27 जून जेको आहे सेलिब्रेट कयो वेंदो आहे हस्बेंड्स डे। ऐं इन बारे में मूंखे ख़बर कोन हुई, ऐं मूंखे जॾहिं ख़बर पई सुबुह जो त मां उन ई वक़्तु जेको आहे पंहिंजे हस्बैंड खे मैसेज कयो। मां चयो तव्हां मूंखे हमेशह चवंदा आहियो न त काश हस्बैंड्स डे बि हुजे, त मां चयो अॼु हस्बैंड्स डे अथव, ख़ुशि थी वञो। त पोइ मूंखे चई बसि हाणे पोइ मूंखे तूं जल्दी जल्दी सां विश कर। मां चयो हलो ठीकु आहे, मां तव्हांखे विश कयां थी पर गिफ्ट मां वठंदसि तव्हांखां, तव्हांखे मां गिफ्ट कोन ॾींदसि। त खिले पियो। बहरहाल थैंक यू सो मच मीर साहब। ऐं मतिलबु मूं वटि वर्ड्स न आहिनि त मां कुझु चवां, ऐं मतिलबु मुंहिंजे एक्सप्रेशन्स वाई तव्हां फील करे सघो था। त रियली आई वॉन्ट टू थैंक यू, ऐं मतिलबु आई एम ब्लेस्ड त तव्हां मुंहिंजी ज़िंदगी में आहियो। अल्लाह साईं मुंहिंजी हयाती बि तव्हांखे ॾेई छॾे, तव्हां आहियो त मां आहियां। ऐं मां पंहिंजो पाण खे लकी इन करे बि महसूसु कंदी आहियां छो त मुंहिंजो जेको लाइफ पार्टनर आहे उहो मुंहिंजो बाबा चूज़ कयो हुओ। ऐं इन 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 शइ ते जेको आहे मां पंहिंजो पाण ते जेको आहे प्राउड फील कंदी आहियां ऐं ख़ुशि थींदी आहियां त हलो शुक्र अलहमदिल्ला त मां अॼु जंहिं पॉइंट ते आहियां। मुंहिंजी बैकबोन पहिरियां त मुंहिंजा माउ पीउ ऐं उनखां पोइ मुंहिंजो हस्बैंड आहे, ऐं हमेशह मूंखे सपोर्ट कंदो आहे जॾहिं बि मतिलबु काई बि अहिड़ी टेंशन हूंदी आहे या परेशानी हूंदी आहे, चाहे उहो वर्कलोड हुजे, स्ट्रेस हुजे, या ज़िंदगी जूं ॿियूं केतिरियूं शयूं थियनि थियूं, त उन में हमेशह मुंहिंजी सपोर्ट थींदो आहे, मूंखे सम्झाईंदो आहे, चवंदो आहे त तूं थोरो मतिलबु पंहिंजे दिमाग़ खे रिलैक्स रख, सम्झण जी सोचण जी कोशिशि कर, उनखां पोइ फ़ैसिलो कजे, जल्दबाज़ी में कोई फ़ैसिलो न कजे, छोजो मां थोरी जज़्बाती आहियां। त हमेशह मूंखे ॿारनि वांगुरु ट्रीट कंदो आहे, हमेशह मुंहिंजी ॻाल्हि खे अंडरस्टैंड कंदो आहे, मुंहिंजी ॻाल्हि खे वैल्यू ॾींदो आहे। सो मां चवां थी त हस्बैंड जेको आहे तव्हांजो अंडरस्टैंडिंग आहे ऐं तव्हांजी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग सुठी आहे त ज़िंदगी सुठी गुज़रंदी आहे। त इन जे करे कोशिशि कयो, जेके मुंहिंजी भेनरूं आहिनि स्पेशली तव्हां सभिनीनि खे इहो चवणु चाहींदसि त मर्द, चाहे उहो तव्हांजे हस्बैंड जी शकल में हुजे, तव्हांजे भाउ जी शकल में हुजे, तव्हांजे पुट जी या तव्हांजे पीउ जी शकल में हुजे, उन जी नेचर खे समुझो। अल्लाह साईं मर्द खे हिकिड़ो ख़ूबसूरत इंसान जे तौर ते ठाहियो आहे, हू ॾाढो ख़ूबसूरत आहे, अहसास रखण वारो आहे ऐं सम्झण वारो आहे ऐं तव्हांजी बैक बोन आहे उहो। त उन इंसान खे सम्झण जी कोशिशि कयो, जेकॾहिं हू तव्हांखे फ़िलहालु कंहिं शइ खां मना थो करे त उनजो बि को रीज़न आहे। इहो न सम्झो त तव्हां जेकॾहिं हुनखे का फ़रमाइश कई आहे उहा हाणे पूरी नथो करे त हुन विसारे छॾी, न, कॾहिं बि नाहे ईअं। हू हमेशह यादि रखंदो आहे, हुनजे दिमाग़ जे कंहिं न कंहिं कुंड में उहा ॻाल्हि हूंदी आहे त मुंहिंजी भेण या मुंहिंजी ज़ाल या मुंहिंजी अम्मी या मुंहिंजी धीउ या एक्स वाई ज़ेड कंहिं न कंहिं मूंखे हिकिड़ी फ़रमाइश ज़रूरु कई। हा, हालात थोरा बहितर थींदा,
मौको मिलंदो त मां उहा शइ ज़रूरु कंदसि, पर अॼु जी जेके भेनरूं आहिनि मुंहिंजियूं, उहे जज़्बाती आहिनि, इन शइ खे सम्झनि कोन थियूं। उहे चवनि थियूं त बस्तरीअ ते बहशत हुजे, त ईअं नाहे हूंदो। हर शइ में वक़्तु लॻंदो आहे। अलाह साईं बि चवे थो न, अलाह साईं बि फ़रमाए थो त सब्र कयो, सब्र जो फल मिठो हूंदो आहे। त ट्राए टू अंडरस्टैंड योर हस्बैंड ऐं उन जी नेचर खे सम्झण जी कोशिशि कयो। हस्बैंड वाइफ जो जेको रिश्तो आहे, ॾाढो ख़ूबसूरत रिश्तो आहे। अलाह साईं ॾाढो ख़ूबसूरत रिश्तो ठाहियो आहे। उहे हिक ॿिए जा लिबास आहिनि। सो हिक ॿिए खे सम्झण जी कोशिशि कयो। ऐं आर्ग्यूमेंट्स थींदा आहिनि, हर रिश्ते में थींदा आहिनि, हिन रिश्ते में कुझु वधीक थींदा आहिनि, पर जेकॾहिं तव्हां अॻियां ई सॉरी करे छॾियो ऐं उन शइ खे सम्झण जी कोशिशि कयो, त मुंहिंजे ख़्याल सां तव्हांजो रिश्तो अञा मज़बूत थी सघे थो। ऐं मुंहिंजे ख़्याल में जेकॾहिं वाइफ पहिरियां सॉरी कंदी त उहा घटि न थी वेंदी, जेकॾहिं हस्बैंड पहिरियां सॉरी कंदो त उहो बि घटि न थी वेंदो। सो इन जे करे जेको आहे, इन रिश्ते खे संभालियो ऐं सम्झण जी कोशिशि कयो। उन खां अलावा अॼु केटीएन न्यूज़ जो हिकिड़ो सीनियर सहाफ़ी, तमामु घणो टैलेंटेड, अॼु हिन दुनिया मां लाॾाणो करे वियो। अॼु सुबुह काविश केटीएन जो महिनती जफ़ाकश ऐं सीनियर सहाफ़ी ऐं क्राइम रिपोर्टर ज़ुल्फ़िकार भुगियो दिलि जे दौरे पवण सबबु वफ़ात करे विया। सो असां जूं दुआऊं नेक तमन्नाऊं उन्हनि सां गॾु आहिनि। अलाह साईं उन्हनि जी मग़फ़रत करे, उन्हनि जा दर्जात बुलंद करे, उन्हनि जी फैमिली खे अलाह साईं सबर अता करे। सहाफ़त हिकु ॾाढो, मतिलबु मां चवंदी आहियां त डिफ़िकल्ट हिकिड़ो डिपार्टमेंट आहे, ऐं इलाही सीनियर असांजा रिपोर्टर्स, सहाफ़ी जेके बि आहिनि, आहिस्ता आहिस्ता करे हर कोई हलंदो थो वञे पियो। पर ॻाल्हि इहा आहे त जेके बि पाण में टीम मेंबर्स आहियूं, जेके बि डिपार्टमेंट में, चाहे एंटरटेनमेंट में आहिनि या न्यूज़ में आहिनि, अलाह सां सभिनीनि खे पंहिंजे हिफ़्ज़ो मान में रखे। वञिणो हर कंहिंखे आहे, पर जॾहिं कोई इलाही वेझो इंसानु हलियो वेंदो आहे, टीम मेंबर हलियो वेंदो आहे, त तमामु घणो ॾुख बि थींदो आहे। सो व्यूवर्स, इहे ॻाल्हियूं त रहियूं अॼु जूं, ऐं असां सां गॾु अॼु हिकु ज़बरदस्त टैलेंटेड सीनियर आर्टिस्ट एज़ अ गेस्ट हिते मौजूदु आहे। इलियास नदीम ख़ान साहबु हिते मौजूदु आहिनि। टीवी, फिल्म ऐं थिएटर जो मशहूरु आर्टिस्ट आहे। सॉरी, मां शायदि नालो ग़लति खणी छॾियो। मुंहिंजे ख़्याल सां मां नालो ग़लति खणी छॾियो आहे। बहरहाल करेक्ट कयूं था हिन खे। ओके आहे, अच्छा। उन खां अलावा असां, मां तव्हांखे इहो ॿुधाईंदी हलां त इन्हनि जा कुझु प्रोजेक्ट्स आहिनि जेके सबा इज़ी लोड वाली, तावीज़, कभी बैंड कभी बाजा, ऐं पश्तो जा इन्हनि जा जेके ड्रामाज़ आहिनि उहे आहिनि पख्तूनाबाद, जाल, एतबार, ऐं उर्दू जा हिननि जा आहिनि बेटियों का बंटवारा, काश आज टीवी जे लाइ, रेडी स्टेडी गो प्ले टीवी जे लाइ, ऐं स्टेज जेके हिननि कया आहिनि एज़ अ डायरेक्टर, लग पता जाएगा, अब्बा जी इन ट्रबल, शीन से शरारत, नौकर जनाब का, अब के अब क्या करें, ऐसा नहीं चलेगा, ऐं हिकिड़ो ॿियो हिननि जो थिएटर आहे जेको जल्द अचण वारो आहे, मेरे फ्रेंड की गर्लफ्रेंड। सो ॾाढा मज़ेदार नाला आहिनि, इन्हनि सां ज़रूरु इन बारे में ॻाल्हाईंदासीं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र है, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और आपको मैं वेलकम करती हूँ रंगन भरी शाम में। बहुत शुक्रिया, मेरे लिए भी बड़े फ़ख्र की बात है, एज़ाज़ की बात है कि आप लोगों ने इज़्ज़त दी और केटीएन ने मुझे इनवाइट किया इस प्रोग्राम पे, तो मैं केटीएन का मशहूर हूँ। थैंक यू। जज़ाकअल्लाह सर। और माशाल्लाह आपको तो बहुत ड्रामास में और बहुत सारे कमर्शियल्स में भी देखा है माशाल्लाह से। जी जी। और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। मेरा ख्याल है कि आपकी ये जर्नी बहुत पुरानी है। हाँ, बहुत अरसे से काम कर रहा हूँ, थिएटर के हवाले से और टीवी के हवाले से भी। मैं तो मतलब ये कि PTV बहुत पुराना, जब चहचटो चलता था, सिंधी हमारा एक प्रोग्राम था, बिल्कुल 50-50 की तरह सिटकॉम था, सिटकॉम तो नहीं, स्किट्स थे उसमें ना, तो वो मैंने किया है। फिर आदम जी ऑडिटोरियम के ज़माने से मैं स्टेज से मुंसलिक हूँ, तो वो काम चलता रहा। फिर TV पे भी काफ़ी काम किया, तो इस हवाले से चलता रहता है माशाल्लाह। अच्छा, चहचटो मैंने तो सिर्फ सुना ही है कि, मतलब बचपन में सुनते थे कि ये चहचटो भी चलता है,
और उसमें बेटा मेरे ख्याल में उस वक्त आप पैदा भी नहीं हुई होंगी सर, ये मुझे पता नहीं कि पैदा हुई थी या ना, उसके बाद शायद मेरा ख्याल है कुछ ऐसा ही हुआ होगा, लेकिन ये है कि उसके अंदर तो सिंधी बोली जाती है, तो आपने जो उसके अंदर काम किया तो आपको सिंधी बोलने में कोई प्रॉब्लम या कुछ ऐसे रिहर्सल्स वगैरह हुई, क्या हुआ? असल में होते थे स्किट्स ना, ठीक है, तो उसमें एक दो लाइनें होती थी, जैसे आशिक आरबानी साहब उसको लिखते थे, मंजूर कुरैशी साहब उसके डायरेक्टर थे, शनीला कुरैशी थी उसमें, और भी काफ़ी, लतीफ़ मुन्ना, तो बड़ा अच्छा होता था, और लतीफ़ भाई के साथ ही मेरे बड़े अच्छे मरासिम थे, सही, तो लतीफ़ भाई लेकर जाते थे कभी कभी ना, तो उसमें हम काम कर लेते थे। सही, तो आपको मतलब अगर कभी जैसे होता है कि कोई सिंधी ड्रामा ऑफर हुआ और आपने कभी अपनी विल भी जाहिर की कि हाँ मैं करूँ? नहीं बिल्कुल, सिंधी मेरी, मतलब मैं सिंध में रहता हूँ, कराची में मैं पैदा हुआ हूँ, तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी सिंधी ही होगी। सही, क्योंकि बड़ा प्यार मिला है मुझे सिंध से, और मैं आज जो कुछ भी हूँ सिंध की वजह से हूँ। सही, माशाल्लाह माशाल्लाह। और वैसे आपको बोलने आती है, क्लियरली बोल लेते हैं आप? समझ लेता हूँ, समझ लेते, बोल लूंगा। अच्छा। मगर एक स्क्रिप्ट हो जाए वो, हाँ, तो फिर वो जाहिर आपको याद करना पड़ेगा। सही। अच्छा सर, जैसे आपके ये जो बड़े मजे मजे के नाम रखे गए हैं स्टेज के और ये प्लेस वगैरह के, तो ये आपने खुद डिसाइड किया था या आपके जो राइटर थे उन्होंने डिसाइड किया था नाम? असल में बात यह है कि जब थिएटर में करता हूँ, थिएटर के हवाले से मेरा कोशिश ही होती है कि नाम बड़े डिफरेंट टाइप के होना, जैसे आप देखें शीन से शरारत है, हाँ, अब्बा जी इन ट्रबल है, लग पता जाएगा, अभी मेरा एक प्ले हम उसको प्लान कर रहे हैं, मेरे फ्रेंड की गर्लफ्रेंड, मेरे फ्रेंड की गर्लफ्रेंड, तो वो भी बड़ा, मतलब तो नाम बड़ा आपका वो जो है ना इस तरीके से, जो पब्लिक ले, तो नाम नौकर जनाब का भी बड़ा अच्छा नाम था, तो ये बहुत ज़रूरी है। और मैं मतलब वन लाइनर देता हूँ अपने राइटर को ना, लिखवाता राइटर से हूँ, क्योंकि लिख सकता हूँ मगर कोशिश नहीं करता कि नहीं भाई जो मेरा काम है मैं वही करूँ, जो राइटर का काम है वो राइटर ही ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं, जो प्रॉपर राइटर है, तो मेरी कोशिश ये होती है कि राइटर लिखे ड्रामा मेरा। तो ये जो प्लेज हैं आपके कितने मतलब आवर्स के होते हैं, कितना टाइम लगता है इसको परफॉर्म करने में? इसमें जो हमारी रिहर्सल्स वगैरह होती हैं, हमारे यहाँ तो बहुत आसानी हो गई है, मैं तो मेरी तो कम से कम 12 से 14 रिहर्सल्स होती हैं, मगर आजकल जो हमारा कराची स्टेज है तो बहुत आसान हो गया है, वो तो 4 रिहर्सल 3 रिहर्सल में ड्रामा कर ओके कर देते हैं। तो सर अगर गलती हो जाए, वैसे थिएटर में गलती की कहीं भी गुंजाइश नहीं, नहीं होती है, वो क्योंकि वन गो होता है, और अगर खुदा ना खास्ता कहीं पे भी आपका डायलॉग इधर से उधर हुआ के समझे कि पूरी स्टोरी आपकी ख़राब हो गई। नहीं, वो जो इधर जो हमारे प्लेस वगैरह होते हैं, जैसे स्टेज ड्रामे होते हैं ओपन एयर में या ऑडिटोरियम 2 में, तो वो तो जो आर्टिस्ट हैं वो समझ लें कि वहाँ पर स्क्रिप्ट नहीं है, जो बड़े आर्टिस्ट हैं हमारे ना, तो वो एक इस तरीके से करते हैं कि यार वो आके उनकी एक एंट्री होती है, मैं नाम नहीं लूँगा ना, जी जी, उनकी एक एंट्री, उन्होंने 15-20 मिनट गुजारने हैं, ठीक है, अगर आप वो प्ले देखें तो उसमें आपको कहानी नहीं मिलेगी, बस वो स्टैंड अप कॉमेडी बन गई है। अब अगर इधर आप देखती हैं नापा वाले ड्रामे या ये, तो वहाँ की अगर आप रिहर्सल देखें तो वहाँ 2-2 महीने की रिहर्सल होती है, वहाँ ना आपको फंबल मिलेगा ना कोई ऐसी चीज़ होगी कि कोई आर्टिस्ट भूल रहा है या, तो इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन होती है। तो मैं समझता हूँ कि थिएटर ऐसा होना चाहिए कि जो मुकम्मल रिहर्सल के हिसाब से होना चाहिए। मैंने एक ड्रामा मेरा था कुल्फी से कोक तक, जो हो नहीं पाया कुल्फी से कोक जी तक। अब मैं उसकी आपको अगर कहें इजाज़त जी जी जरूर जरूर, वो एक बच्चा है चाचड़, जहीर चाचड़ या ऐसे ही कुछ नाम है उसका, तो सखर से ताल्लुक रखता था वो, उसने मतलब के आईबी यूनिवर्सिटी सखर में ना, तो उससे टॉप किया, फिर कोक कंपनी ने उसको ऑफर की, वो गया जॉब पे, तो उसने स्टार्ट कहाँ से लिया था, वो जो अपनी तालीम हासिल करता था उसके वालिद साहब कुल्फियाँ बेचते थे, ठीक है, तो वो जो अपने वालिद साहब के साथ आके कुल्फियाँ बेचता था, तो वालिद साहब का तो एक जगह रेड़ा खड़ा होता था,
तो वो जो थर्मोस है ना उसमें कुल्फियां डाल के मोहल्लों में जाके बेचता था वो बच्चा ना। तो आज अल्लाह पाक ने उसको इतनी इज्जत दी, मेरी उससे मुलाकात भी हुई, मेरे फोन पे बात भी हुई है। सही। और मतलब वो मेरे लिए बड़े एजाज की बात थी, मगर बेड लग गया था कि वो कोई हमने 18 रिहर्सल कर ली, उसके बाद कोरोना आ गया। हाँ। जिसकी वजह से मुझे काफी लॉस उठाना पड़ा, वो 2.5 साल वो। तो सर उसको फिर आपने कंप्लीट नहीं किया? नहीं कर पाए उसको। अच्छा। मेरी बड़ी शदीद ख्वाहिश है कि उसको मैं करूँ, मगर फाइनेंशियली थोड़ा सा जाहिर है। हाँ, मसला हाँ, होता है ना? होता है, होता है। हाँ। एक चीज अगर बीच में रुक जाए तो उसको फिर कंप्लीट तो तकरीबन उसमें मेरे काफी पैसे खर्च हो गए थे। हाँ, हाँ, कार्ड्स तक सारे कुछ आ गए थे। अच्छा। बहरहाल वो फिर लॉस में हुआ। सर वैसे थिएटर है बहुत मुश्किल, आपको कैसे शौक हुआ थिएटर का? मैं असल में शौक तो हम लोग फिल्में देखा करते थे, जैसे सिनेमा में चले गए तो एक दिन एक सिनेमा पे टिकट नहीं मिला हमें, हमने उस वक्त तक थिएटर नहीं देखा था, एक दो तीन दोस्त थे तो वहाँ से हम आए तो हमारा एक दोस्त था आदम जी, ऑडिटोरियम में काम करता था वो, तो उसने कई दफ़ा कहा कि यार आप ड्रामा देखने के लिए आओ, तो उस दिन हमने वैसे ही मूड बना लिया कि चलो यार ये टिकट नहीं मिला तो आदम जी चलते हैं। वहाँ जाके हमने ड्रामा देखा तो वहाँ उमर शरीफ, लियाकत सोल्जर और शहजाद रजा का ड्रामा चला था, गुरु हो जाए शुरू। अच्छा अच्छा, सही। पहला ड्रामा जो मैंने लाइफ में देखा ना। सही। तो मैंने जब वो ड्रामा हम लोगों ने देखा तो हम तो पागल हो गए कि यार ये कॉमेडी होती है। अच्छा उस वक्त 50-50 चलता था, इस्माइल तारा साहब, माजे जहांगीर, सखी कमाल और ये 50-50 बड़ा हिट था, तो हम सोचते थे कि यार ये इतनी अच्छी कॉमेडी कर रहे हैं तो जब वो होंगे स्टेज पर तो क्या मजा होगा स्टेज का। तो वो फिर यकीनी बात है कि उमर भाई की, लियाकत भाई की और शहजाद भाई की अपनी एक अलग पहचान थी स्टेज के हवाले से, इस्माइल तारा साहब भी, एक और हमारे आर्टिस्ट थे अल्लाह पाक उनकी मगफरत फरमाए, रजाक राजू साहब, बहुत बड़ा आर्टिस्ट था वो, डायरेक्टर भी थे, राइटर भी थे और एक्टर भी थे। तो वो फिर एक सिलसिला चल पड़ा ना। तो आदम जी ऑडिटोरियम आना जाना शुरू हुआ, फिर एक डायरेक्टर साहब के साथ मैं नथी हो गया, उनके साथ घुस गया मैं। सही। तो आस्ते आस्ते फिर ये सिलसिला चला है। सही। तो सर आपको जैसे कहते हैं ना कि मैं जैसे अपनी बात करूं तो मैंने जैसे ही होश संभाला और अपनी स्टडीज़ वगैरह कंप्लीट किया, कर ही रही थी तो मुझे शौक हुआ कि मैं एक्टिंग की फील्ड में जाऊं। लेकिन आपको कब पता चला कि आपके अंदर भी एक एक्टर है? एक्टर का मुझे जब पता चला कि हम लोग मतलब नौजवानी से फिल्मों के बड़े शहदाई थे ना, उस वक्त फिल्में बहुत अच्छी, अच्छे माहौल की फिल्में होती थी, वहीद मुराद नदीम, मोहम्मद अली साहब, गुलाम मोहिद्दीन शाहिद, तो इनकी फिल्में शबनम, बाबरा शरीफ, शमी मारा, तो क्लासिक फिल्में और अच्छी फिल्में होती थी तो वो हम देखते थे, तो एक वो होता था कि यार हमने एक्टर बनना है या ये ना, तो वो इस तरह का था, वो ना था, नहीं था कि यार हमने बनना ही है। तो एक आज टेक्सटाइल में चला गया दोस्त हमारा, एक आज साफी है और मैं थोड़ा सा इस तरफ आ गया, हालांकि तीनों का शौक एक ही था। सही। तो आपको फैमिली की तरफ से था कि हाँ ठीक है आप कर सकते हैं, वरना मतलब ज्यादातर तो बाउंडेशंस होती हैं हर फैमिली की? नहीं, मैं घर में बहन भाइयों में सबसे बड़ा मैं था। अच्छा। तो वालिद साहब मुझे ज्यादा वो नहीं करते थे ना, कि जो भी फैसला मैंने लेना होता था वो मेरी सपोर्ट करते थे। सही, सही। अच्छा वैसे पहला बच्चा जो होता है ना उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस ज्यादा होती हैं और वो पेरेंट्स यही कहते हैं कि नहीं आपको हमारी मर्जी से ही चलना है, होता है? बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। मतलब क्या बोलूं, आज हस्बैंड डे तो सवाल ऐसे बात कर लूं कि मतलब मेरी शादी जब हुई मेरी उम्र थी उस वक्त 18 साल। ओ अच्छा। 1980। अच्छा। आज क्या है 2024, 44 साल हो गए माशाल्लाह। और मैं समझता हूँ कि मैं खुशकिस्मत हस्बैंड हूँ माशाल्लाह। मेरी वाइफ बहुत अच्छी है, बहुत केयर करती है मेरी, और मतलब वो कहते हैं ना कि अच्छी बीवी दुनिया में जन्नत है ना। हाँ। तो वो मेरे लिए मैं समझता हूँ कि वो है, कि बड़ी अच्छी खुशहाल जिंदगी मैंने गुजारी और आज तक माशाल्लाह सपोर्टिव है, मतलब हर तरह से आपको सपोर्ट करती हैं। जाहिर है शूट्स में इंसान को देर भी हो जाती है, लेट भी हो जाते हैं, कभी कभी पूरा पूरा दिन, पूरी पूरी रात भी लग जाती है, 24-24 घंटे भी हम लोग आउटडोर शूट्स पर होते हैं, तो उसमें भी जाहिर है मतलब वाइफ का सपोर्टिव होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, बहुत जरूरी है। और मतलब ये कि एज डायरेक्टर मैं स्टेज करता हूँ तो बहुत से आर्टिस्ट होते हैं हमारे साथ, फीमेल आर्टिस्ट हैं, उनकी कॉल आ रही है, उनसे बात हो रही है,
तो कभी मेरी वाइफ ने मतलब उस चीज़ को कोई मसला नहीं बनने दिया। अच्छी बात है, इसी तरह होना चाहिए, हर रिश्ते के अंदर इसी तरह होना चाहिए, चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वो वाइफ हो। आपको समझना चाहिए काम को कि आपके काम की नवियत क्या है और आपका काम कैसा है, तो समझना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग जब तक होगी तब तक सही रहेगा मेरा जी। बिल्कुल बिल्कुल सही। आप एक ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद बातों को कंटिन्यू करते हैं। जी व्यूअर्स, वक्त हुआ है ब्रेक, जो कारिना वन जो जल्दी वापस आ जाओ, सो स्टे विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स, बेर तांखे भलीकार कंदासी रंगन भरी शाम में। तहां भी असन जे प्रोग्राम में शामिल थी सगो ता, असन के कॉल करे सगो ता, ए जरूर अपडेट दियो त भई तां जे शहर में बारिश थी रही आहे या न, या कराची में जे करे तां रहो था त कराची जे केड़े एरिया में तां रहो था, ए अपडेट जरूर कयो असन के त तां जी तरफ मी आहे या न। अच्छा, असन सा गद इलियास नदीम खान साहब मौजूद आहेन, टीवी फिल्म ए थिएटर जा मशहूर आर्टिस्ट आहेन। सो जिन जिन के खबर न हुई उन्हनि हाणे जेकॾहिं चैनल ऑन कयो आहे त तव्हांखे मां ॿुधायां त असां सां गॾु इलियास नदीम ख़ान साहबु मौजूदु आहिनि। सो उन्हनि सां कचहरी असांजी सुठी हली रही आहे। सर, जैसे हमने थिएटर के हवाले से बात की, आपकी डायरेक्शन के हवाले से बात की, तो ये बताइए कि आजकल की जो एक्टिंग है, मतलब पहले की एक्टिंग और आज की एक्टिंग में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ओवरऑल में बात करूंगी, चाहे वो थिएटर हो, चाहे वो आपका टीवी हो, चाहे वो आपकी मतलब बड़ा पर्दा हो, तो क्या वजूहात क्या हैं? असल में वजूहात ये हैं कि पहले टाइम बहुत होता था, ठीक है। पीटीवी पे जब ड्रामे होते थे तो एक सहमाई में समझ लें कि कराची सेंटर में 20 प्रोड्यूसर बैठे हुए हैं। प्रोड्यूसर वो होते थे जी जी, जो डायरेक्टर जी का होता है, नाम उनका प्रोड्यूसर होते थे। 20 प्रोड्यूसर बैठे हुए, तो उसमें 10 प्रोजेक्ट आए एक सहमाई में, ना 10 फारिग बैठे हुए। अब वो 10 तो काम कर रहे हैं, वो जो 10 फारिग बैठे हुए थे वो अगली सहमाई के लिए अपनी प्लानिंग करते थे, ठीक है ना। फिर पीटीवी के ज़माने में सबसे बड़ी बात ये होती थी कि आपको स्क्रिप्ट मिला, आप पीटीवी पे गए, आपने उसकी रीडिंग की, रिहर्सल्स की, उसके बाद 2 कैमरों के सामने, 3 कैमरों के सामने वो शूट होता था। तो वो जो ड्रामे थे वो यादगार रहते थे। जैसे बहुत से ड्रामे हमारे ऐसे थे पीटीवी के ज़माने के जो आज भी लोगों पे नक्श हैं, दिलों पे, और इंडिया में हमारे ड्रामों ने बड़ा, अब भी खैर ड्रामे हमारे इंडिया से तो बेहतर हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत। और अब भी मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा काम हो रहा है, बहुत अच्छा अच्छा काम हो रहा है, अच्छा स्क्रिप्ट होता है। तो स्क्रिप्ट पे बड़ा डिपेंड करता है, डायरेक्टर पे डिपेंड करता है। हमारे बड़े अच्छे डायरेक्टर हैं, बड़ा अच्छा काम हो रहा है। इस वक्त थोड़ा मुश्किल ये है कि टाइम नहीं है यार, फास्ट लाइफ है ना। तो वो पीटीवी के ज़माने को आप देखें कि कितना टाइम आपको मिल रहा है, कि एक एक्टर जाके वो करेक्टर को देखता था, उसको मतलब कंसीव करता था, शहर में घूमता था कि यार जैसे जमशेद इंसारी साहब होती थी हर जगह की। हाँ, सही कह रहे हैं। तो वो चीज़ें थी, अब इतना टाइम नहीं है, डायरेक्टर के पास भी इतना टाइम नहीं है, ठीक है। और एक्टर भी बेचारे, मगर ये कि मैं समझता हूँ कि आज भी बहुत अच्छा काम हो रहा है। स्क्रिप्ट के हवाले से क्या कहेंगे, आपके पहले और अब के स्क्रिप्ट में कितना फर्क है? अब जो स्क्रिप्ट आ गया ना, जो मैं देख रहा हूँ या जो मैं चीज़ें वो कर रहा हूँ, अब हमारे यहाँ एक चीज़ ये जहन में बैठ गई है कि औरत को हमने जितना मजलूम दिखाना है वही ड्रामा क्लिक होगा, ठीक है ना। एक वाइड ड्रामा था मेरे पास, तुम हो, जिसने मर्द को मजलूम दिखाया है। अच्छा। तो वो भी हिट हो गया ना। तो मैं समझ, ये बड़ी बात है वैसे। मैं समझता हूँ कि राइटर्स को चाहिए कि भाई मर्द को भी मजलूम दिखाओ। हाँ, नहीं क्यों नहीं। मगर ये एक वो है कि जब तक औरत मजलूम होगी ड्रामे में, तो असल में हमारा ड्रामा जो है ना, अब टीवी पे तो शायद इतना नहीं देखा जाता। कहाँ देखते हैं? इंटीरियर में, चाहे वो सिंध का इंटीरियर है,
चाहे वो पंजाब का इंटीरियर है या केपीके का है, तो वहाँ जो ख्वातीन देखती हैं घरों में बैठ के, कि वो माहौल होता है वहाँ पर। अब यहाँ कराची में या लाहौर के जो शहर हैं वहाँ तो इतना वो नहीं है, आपने मोबाइल पे ही देख लेना है 10 मिनट 15 मिनट ना। यहाँ जो पढ़े लिखे बच्चे हैं या ख्वातीन हैं तो वो यूट्यूब पे, वहाँ पर टीवी देखने का रुझान है ना। तो इसलिए वो ड्रामे जो हैं, अगर आप मजलूमियत दिखाते हैं औरत की तो औरतें उसको ज़्यादा लाइक करती हैं, तो इस वजह से वो ड्रामे भी बड़े हिट जाते हैं हमारे। मतलब ऑडियंस भी माशाल्लाह अब तो खैर एडवांस हो गए हैं, हर किसी को पता है कि ड्रामा ड्रामा होता है और रियल लाइफ होती है। लेकिन मुझे अच्छी तरह से याद है जिस टाइम हम लोग ड्रामाज में काम कर रहे होते थे या कोई ऐसा कैरेक्टर कर लिया था जिसमें बड़ा मतलब रोना धोना पीटना हुआ करता था, तो अक्सर करके फीमेल्स हमारी मिलती थी जब हमें कहीं बाहर, तो वो कहती थी कि तुम्हारे ऊपर बड़ा जुल्म हुआ तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, या मैंने अगर कोई मतलब विलन वाला कैरेक्टर किया तो कहता तुमने उसके साथ अच्छा नहीं किया। तो ये चीज़ें भी बड़ी होती हैं। जी जी बिल्कुल, ये भी मतलब हमारी अब तो खैर ऑडियंस बड़ी होशियार हो गई है अब तो वाकई, क्योंकि सोशल मीडिया भी आ गया है। हाँ। तो बहुत ज्यादा आसानियां हो गई हैं, आपकी एक क्लिक पे है सब कुछ ना। हाँ। आपने कंटेंट आपका लूज है, सही नहीं है, हाँ। पब्लिक फौरन चली जाती है। सही बात है, सही और बात है। सबसे बड़ी बात ये कि ड्रामा या फिल्म देखने के लिए ना आपने वो चीज देनी है कि वो अगर आपका टीवी पे ड्रामा चल रहा है आधा घंटा पौना घंटा जो भी उसका ड्यूरेशन टाइम होता है, तो उसमें इतना बांध के रखना है, इतना अच्छा होना चाहिए कि पब्लिक चैनल ना चेंज करे। अगर आप फिल्म बना रहे हैं तो सिनेमा पे पब्लिक जाए तो उसको मतलब बोर ना हो, वो फिल्म लग के देख के देखे उसको ना, तो जब ही वो चीज़ क्लिक करती है कामयाब होती है। जाहिर है, जैसे अब लेट्स सपोज हम सोप सीरियल की बात कर रहे हैं, सोप सीरियल के आप के अंदर आपने कम से कम भी 5 या 4 ऐसी फैमिलीज दिखानी है अलग अलग के, जो आपको एंगेज करके रखे। जी बिल्कुल, हर किसी की अलग अलग स्टोरी होनी चाहिए। और अगर जैसे सीरियल चल रहा है तो सीरियल के अंदर भी आपकी 2 ऐसी फैमिलीज होनी चाहिए स्ट्रॉन्ग कि आप देखें तो आपकी आंख ना हटे उससे। स्टोरीज वही होती है जो क्लिक कर जाए। जी बिल्कुल, और आजकल आप सही कह रहे हैं कि वही स्टोरीज क्लिक कर रही हैं जिसमें औरतें मजलूम दिखाई जाएं या सास बहू के मसले मसाइल दिखाए जाएं या नंद और भाभी के मसले मसाइल दिखाए जाएं या हस्बैंड वाइफ के मसले मसाइल दिखाए जाएं, इन चीज़ों को ज़्यादा आजकल हाईलाइट किया गया है। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं अभी एक प्ले में देख रहा था मन्नत मुराद, मुझे बड़ा मज़ा आया उसमें। हाँ शायद आपने जी जी बिल्कुल देखा था, एक ड्रामा था। तो मतलब ऐसी चीज़ें भी क्लिक करती हैं, अच्छा लगता है, अच्छी 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 चीज़ें बनती हैं। और आजकल हमारे उर्दू ड्रामास माशाल्लाह, मैं ज़्यादातर टाइम नहीं मिलता तो मैं जो भी मुझे ड्रामा अच्छा लग रहा होता है तो मैं यूट्यूब पे देखती हूँ, तो उस पर जब कमेंट्स पढ़ती हूँ तो कमेंट्स में सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है सर, वो यही लगती है कि बांग्लादेश और इंडिया के लोग भी हमारे पाकिस्तानी ड्रामा देख रहे होते हैं, और उनका कमेंट यही होता है कि हमारे इंडियन ड्रामा से तो अच्छा पाकिस्तानी ड्रामा है। है ऐसा ही, ऐसा ही। और ये अब से नहीं, बहुत पहले से। हाँ। पीटीवी के जमाने से जी। हमारे यहाँ के चैनल्स को मैं क्रेडिट दूंगा, नाम ले सकता हूँ मैं, सुल्ताना सिद्दीकी साहब। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, सुल्ताना आपा नो डाउट बहुत अच्छा काम कर रही हैं। उनका क्रेडिट है मैडम, क्रेडिट इनका ये है कि एक वक्त था कि हमारे पड़ोसी मुल्क की एक वजीर आजम तो नहीं थी, उनकी बहू थी, उन्होंने कहा था कि हमने पाकिस्तान के कल्चर को कैप्चर कर लिया है, हर घर में हमारे फिल्में देखी जाती हैं, ड्रामे चल रहे होते थे, ठीक है ना, फिल्में ज्यादा थी ना और ड्रामे हमारे अच्छे थे। फिर उसके बाद मतलब मैं समझता हूँ कि इन लोगों ने धूम मचा दी, तो सुल्ताना मैडम ने ऐसा किया है कि घर घर हमारे ही ड्रामे देखे जाते हैं पाकिस्तान में ना, तो फिल्मों से हमारी जान छुटी, इंडियन फिल्मों से कंटेंट यहाँ बड़े मजबूत आए, फिर ARY, जियो, सिंधी चैनल्स हो गए, PTV हो गया, तो बड़ा अच्छा अच्छा कॉन्टेंट, कॉन्टेंट बड़ा काउंट होता है आपका, कि कॉन्टेंट मजबूत हो तो चीज़ आपकी अच्छी। सही कह रहे हैं। अच्छा दूसरा मुझे ये बताएं कि हम आज भी अपने कंटेंट को और कितना बेहतर कर सकते हैं, उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हैं, क्या करना चाहिए मज़ीद और?
किस टाइप की स्टोरीज और लानी चाहिए हमें? नहीं देखें, इसमें कोई चीज़ कैद नहीं है कि आपने उस टाइप की चीज़ें करनी है। ये तो आपको फिल बदी कोई चीज़ आप देखती हैं, उस राइटर होता है ना, वो एक जुमले से कहानी निकाल लेता है। एक मैं जो समझता हूँ ना, एक जुमले से वो स्टोरी बना लेता है ना, एक जुमला भी वो क्लिक कर जाए उसको तो वो उससे स्टोरी बना लेता है। तो आपके माशरे में मुख्तलिफ चेंजेस आती रहती हैं हर दौर के हिसाब से ना। आज से 20 साल पहले कुछ और था, 10 साल बाद कुछ और था, आज कुछ और, आज से 10 साल बाद कुछ और होगा। तो वो तो आपको कंटेंट मिलते रहते हैं कि क्या हालात चल रहे हैं। मतलब जैसे हम आर्टिस्ट हैं या चलते फिरते भी हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें नज़र आ जाती हैं जो हमारे जहनों पे बैठ जाती हैं और हम अपने राइटर के साथ शेयर करते हैं या डायरेक्टर के साथ शेयर करते हैं कि इस पे काम करना चाहिए। आपको कभी लगा कि आपको भी लिखना चाहिए? असल में मैं समझता हूँ कि स्क्रिप्ट राइटिंग जो है ना, या राइटर जो है ना, वो भी एक फ़न है, बहुत बड़ा फ़न है। तो मतलब मैं जिस राइटर से के साथ काम करता हूँ उसके साथ मतलब वन लाइनर तो डिस्कस कर लेता हूँ, और अच्छी वन लाइनर डिस्कस करता हूँ। बल्कि मेरे जितने स्टेज प्ले या जो भी होता है तो वन लाइनर मेरी ही होती है और राइटर फिर उसको मतलब लिख के देते हैं, फिर हम लोग बैठ के उसको डिस्कस करते हैं और ये चीज़ें होती हैं। मगर मैं कोशिश मेरी ये होती है कि नहीं यार, जो राइटर का काम है ना वो राइटर ही कर सकता है ज़्यादा अच्छा जुमले खूबसूरत वही लिख सकता है जो, क्योंकि वो काम ही वो कर रहा है ना। तो वो ये ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। हमारे यहाँ थोड़ा सा ये भी है, स्टेज पर ज़्यादा हो रहा है ये चीज़ें, टीवी पे तो खैर ऐसा नहीं है कि डायरेक्टर राइटर भी बन गया, या बहुत कम कम ऐसा होता है, मगर राइटर का काम राइटर का है। लेकिन आजकल आपको पता है कि आजकल हर कोई राइटर बना हुआ है, हर कोई राइटर बना हुआ है, हर बंदा। देखें, अगर मैं एक्टिंग कर रहा हूँ तो मुझे एक्टिंग पे फोकस करना चाहिए कि यार मैं इसमें कितना कमाल कर सकता हूँ। अब मैं हर चीज में घुसूंगा ना तो ना इधर करूंगा ना उधर करूंगा। मगर लोगों का कहना ये भी होता है कि जो चीज़ हम कर रहे हैं हमारा पेट उससे नहीं भर रहा तो हमें दो तीन चीज़ें एक्स्ट्रा करनी पड़ती हैं। ये हो सकता है, यहाँ बजट नहीं है, पैसा नहीं है इतना ना। जैसे इंडिया में अगर मिसाल देते हैं तो वहाँ पर जो पैसा है, जो चीज़ है ना, तो वो सर करेंसी भी तो मैटर करती है। अब करेंसी, उनकी करेंसी और हमारी करेंसी में थोड़ा बहुत तो फर्क है। ये भी पहले तो हमारी करेंसी उनसे अच्छी थी ना, बहुत अच्छी, पहले तो अच्छी थी ना। अब तो ये खैर ऐसा हो गया, तो ये इकोनॉमिकल चेंजेस भी बीच में आ जाती हैं, ये भी चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं कि हमें फिर वो उसी दायरे के अंदर रहकर और काम करना पड़ता है। उनके बजट बहुत हैवी होते हैं वो, चाहे अगर मतलब जैसे हमारे यहाँ पर रीनेकमेंट ड्रामे होते थे तो वहाँ क्या इतना सा बजट होता था। इंडिया के अगर रीनेकमेंट ड्रामे आप देखते हैं, क्राइम स्टोरी या ये चीज़ें जो होती हैं, उसके लिए इतना बड़ा बजट होता है जो हमारे आम ड्रामों के लिए। वो तो बाकायदा रियलिटी लगती है, ऐसा ऐसा सीन क्रिएट करते हैं, ऐसा मतलब लगता है चाहे उनकी डॉक्यूमेंट्री ही क्यों ना हो, ऐसा फील होता है जैसे आप रियल में वो चीज़ देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ पर पता है क्यों, वहाँ सहूलियात बहुत हैं, फैसिलिटीज़ बहुत हैं। यहाँ हमारे यहाँ बड़ा मतलब ये इनका क्रेडिट है हमारे पाकिस्तान में कि एक तो हमारे यहाँ एकेडमीज नहीं है कोई काम सीखने के लिए एक्टिंग के हवाले से, अभी ये है एक दो मतलब, मगर वो भी हर बंदा वहाँ जाके वो नहीं कर सकता ना। तो इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम है वहाँ पर। ये है कि पैसा बहुत है हर चीज़ में, आप देखें वहाँ जो फिल्म बनती है वो 300 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़, 200 करोड़ इतने में बनती है। अब यहाँ पाकिस्तान में फिल्म बनती है 5 करोड़ में, 6 करोड़ में, हमारी सही साहब बना लें तो 10-12 करोड़ में बन जाती है, ये होती है। तो अब उसमें क्या आप चीज़ दे सकते हैं वहाँ पर, आप देखते हैं क्या क्या होता है। हुमायूं सईद साहब पे याद आया, इनका एक ड्रामा चल रहा है आजकल, बड़ा हिट हुआ हुआ है, द जेंटलमैन, आपकी नज़र से गुजरा होगा। तो आपको लगा नहीं कि मुन्ना भाई और सर्किट को कॉपी किया गया है? असल में होना नहीं चाहिए, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आप अपना जो यहाँ का आपको जो थोड़ा सा जो उन्होंने स्टाइल दी वो इंडियन ही स्टाइल है, तो
क्योंकि अदनान सिद्दीकी साहब को जो है प्रॉपर वही गेटअप दिया है, वही एक उनका लुक क्रिएट किया गया है, उसी तरह से उनके वो बैंगल्स बनाए गए, हार बनाए गए, हर चीज़ मतलब उसी तरह से उनका एक गेटअप बनाया गया। तो मेरा ख्याल है कि हमें थोड़ा हटकर कुछ करना चाहिए, चीज़ अपनी होनी चाहिए, चीज़ अपनी हो तो ज़्यादा अच्छी लगेगी। नो डाउट ड्रामा अच्छा है, स्टोरी बहुत अच्छी है, चल बहुत अच्छा रहा है। सिर्फ मेरा जो इत्तेफाक है वो यही है कि आपने गेटअप क्यों चोरी किया? गेटअप चोरी किया, फिर उनका बोलने का स्टाइल एक्सेंट चोरी किया आपने। हाँ। चोरी या हाँ। चोरी तो नहीं बोल, खैर चोरी हुआ। तो आपके पास यहाँ बीसों जुबानें हैं, ठीक है ना, उर्दू में बीसों बहुत सारी चीजें शाखें फैली हुई है ना, सिंधी में भी हाँ, देखें सिंधी में मुख्तलिफ वेरिएशन मिल हाँ। रही है आपको, पश्तो में भी मुख्तलिफ। तो इन चीज़ों को आप इकट्ठा करें ना, इन चीज़ों को लेकर आए, जो यहाँ की पब्लिक देख रही है ना तो उसको मज़ा आएगा। अब वो आप इंडियन स्टाइल में अगर वो कर रहे हैं तो वो एक तो छाप लगती है आपके ऊपर, बिल्कुल छाप लगती है। वाकई लग रहा है कि एक वो एक आप देख रहे हैं इंडियन मूवी देख रहे हैं, आपकी अपनी कोई क्रिएशन होनी चाहिए। खलीलुर रहमान साहब का लिखा हुआ है, खलीलुर रहमान साहब बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं हमारे, और उन्होंने एक बहुत हिट ड्रामा दिया है पाकिस्तान को, मेरे पास तुम हो। तो ये भी खैर उनका ड्रामा अच्छा ही है, लेकिन बस सर आपसे थोड़ी सी मुझे ये शिकायत थी कि आपने ड्रामा लिखा तो बहुत अच्छा है लेकिन थोड़ा सा आपने कॉपी पेस्ट कर दिया। मुझे एक मैं बोल सकता हूँ? जी जरूर। खलीलुर रहमान कमर साहब बहुत अच्छे राइटर हैं, मगर मैंने उनकी चीज़ें जो देखी हैं, मेरे पास तुम हो या और मुख्तलिफ चीज़ें इकट्ठी करके वो करते हैं। आप इंडिसेंट प्रपोज़ल को आपने मुख्तलिफ कहानियों को मिला के मेरे पास तुम हो, इनका अपना एक ड्रामा था जो मैंने देखा था जिसमें बाबर अली थे, ये ख़ुद थे, और वो जो बल्कि वो जुमले तक मेरे पास तुम है मैं यूज़ किए उन्होंने। अच्छा। वो जो लड़की आती है, मतलब उसमें भी ये इसी तरह की स्टोरी है कि वो ये खलीलुर रहमान कमर साहब एक औरत पे आशिक हो जाते हैं और फिर वो उसका शोहर जो वो सब्ज़ी बेचता है या फ्रूट बेचता है बाबर अली, फिर उसको ये ऑफ़र करते हैं, अच्छा, वो नहीं मानती, अच्छा। उसको कन्वेंस कर लेते हैं, अच्छा। और वो फिर मतलब वो तलाक, तो वो कहता है कि भाई लड़के को जिस सब्ज़ी वाला जो होता है बाबर अली उससे बात करते हैं, तो वो कहता है कि ठीक है मैं तलाक देने को तैयार हूँ। तो कहते हैं कितने पैसे देने हैं तुम्हें? कह रहे तुम एक पैसा ले आओ। सर यहाँ पे कॉल, वो चीज आपने मेरे पास तुम्हें मैं दिए, वो चलता आ रहा है, चलता आ रहा है, कॉपी कॉपी चलती आ रही है अपने ही ड्रामों की चीजें। यहाँ पे कॉल लेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। जी भेण केर पे गलाए? वो मालिला गलाया थी नुसरत का। आलिया? अनिला। अनिला, अनिला केड़े शहर का कॉल किया? जी नुसरत का। अच्छा, बियो बुदायो की आयो, ठीक आयो? जी बिल्कुल, मां भी कया तमाम बुदायो तमाम की आयो। मां बिल्कुल ठीक आया। अनिला छा चवण चाहिंदा हो? जी मां तमा के न्यूज़ बुदाय चाहिंदम, तो आउ न्यूज़ कास्टर थन चाहया थी। अच्छा, न्यूज़ कास्टर थन चाहयो था? अच्छा अच्छा, बुदायो का सुठी न्यूज़ बुदाय जो। ठीक आ, तो इमरान खान जरूर बुदायो। छा कंदो? न न, बियो कुछ बुदायो, बियो कुछ बुदायो। जी ना, मुझे न्यूज़ पेपर आ गया है, मैं तो मैं न्यूज़ ही बुराई लोग प्लीज माइंड ना कर जो। ना ना पोता अलग केडी न्यूज़ बुदायो आप के लिए बुदाया थी, बस ना जस्ट बुदो तो है, मतलब नहीं आई, मतलब ना मौसम जे हवाले सा न्यूज़ दियो ना सागे, बस ना जे हवाले सा तवा बस आओ कनी लाया आओ इंटर हाने क्लियर किया जल्दी, बस इंशाल्लाह ओडिशन आइंदस। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, केटीएन जा दरवाजा तां लाए खुलेल आहन, तां अचो केटीएन ऐ तां पंहिंजो ऑडिशन ॾेई सघो था। असांजो एंटरटेनमेंट जो प्रोग्राम आहे, त तव्हां जेकॾहिं का एंटरटेनिंग वारी ॻाल्हि कंदा त ॾाढो सुठो लॻंदो, छो जो न्यूज़ वारो डिपार्टमेंट मुंहिंजो कोन्हे भेण, ऐं उन जे लाइ तव्हांजे लाइ न्यूज़ डिपार्टमेंट आहे, त तव्हां उते अची जेको आहे ऑडिशन ॾींदा त उहो वधीक सुठो लॻंदो। ठीकु आहे, थैंक यू, पंहिंजो ख़्यालु रखिजो, अलाह हाफिज़। जी सर, तो ये तो बात हुई हमारे स्क्रिप्ट के ऊपर, और दूसरा आजकल हमारे जो माशाल्लाह से जो एक्टर्स हैं उनका भी एक कहते हैं ना कि बिहेवियर जो अपने सीनियर्स के साथ है वो भी थोड़ा अजीब होता है। नहीं, वो तो उस वक्त असल में होता है, बाज़ लोग जो हैं अच्छे हैं, बाज़ जूनियर जो आजकल आ रहे हैं जैसे न्यू कमर्स आ रहे हैं,
अब इसके बारे में मैं ये कहूँगा कि वो एक बंदे की नेचर है ना, ठीक है। बहुत से आर्टिस्ट ऐसे हैं कि बड़े कोऑपरेटिव हैं आज भी, बड़े आर्टिस्ट जो हैं मतलब बहुत अच्छे तरीके से बात करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट देते हैं अपने जूनियर्स को, ठीक है ना, और बहुत मादरत के साथ। हमारे जो हमारे पीटीवी के बड़े आर्टिस्ट हैं ना, तो वो चंद सारे नहीं, एक दो ना, तो वो बड़ी इंटरफेरेंस करते हैं। वो ठीक है, आप एक वक्त में आपने बड़ा अच्छा काम किया है, मगर आज जो बच्चे आ रहे हैं, मैं समझता हूँ हमसे ज्यादा टैलेंटेड हैं वो, ठीक है ना, तो हम उनको पॉलिश करने के लिए थोड़ी चीजें बता सकते हैं, मगर उनको ज्यादा आप अगर वो करते हैं ना, तो हमारे यहाँ हैं एक दो तीन आर्टिस्ट हैं, मैं नाम तो नहीं लूंगा, मगर वो अपने आप को अकेले कुल समझते हैं। नहीं मतलब एक आर्टिस्ट चैनल पे बैठ के किसी आर्टिस्ट के लिए नंबर दे रहा है, यार आप बहुत बड़े आर्टिस्ट हो, फिरदौस जमाल साहब बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, मैं उनको बहुत पसंद करता, पाकिस्तान पूरे उनको पसंद करता, मगर जब आप किसी के लिए कमेंट कर रहे हो तो ये तो ना बोलो कि यार वो 4% कर रहा है एक्टिंग। अब वो आर्टिस्ट इस वक्त सुपर हिट आर्टिस्ट है, तो पब्लिक उसको लाइक कर रही है, परफॉर्मर है जभी तो लाइक कर रही है। सही, तो ये हमारे यहाँ चंद आर्टिस्ट ने नहीं करना चाहिए ऐसे। सर एक पॉइंट आता है कि आर्टिस्ट के अंदर जो है एक प्राउड आ जाता है, और वो बहुत प्राउडी मतलब फील करना स्टार्ट कर लेता है, उसमें आपको क्या लगता है कि वो फिर उस नेचर के साथ, उस बिहेवियर के साथ आगे बढ़ सकता है? बढ़ते हैं, बाज लोग बढ़ते हैं, मगर आप देखें लॉन्ग टर्म जो चलते हैं, आज आप जावेद शेख साहब को देख लें, आप नदीम साहब को देख लें, वो तो बहुत ही डाउन टू अर्थ हैं, ठीक है ना। अब ऐसे लोग ही फिर वो सारी जिंदगी चलते हैं ना, जिनके पास वो जो डाली झुकना ना जाए, जाने वो टूट जाती है ना, तो बहुत अकड़ आती है, तो फिर वो कहते ना कि जब आप उरूज देखते हैं तो फिर जवाल भी बहुत जल्दी आता है, तो ये चीज़ मैंने बहुत देखी है अपने आर्टिस्टों के अंदर। खैर एक वक्त था मैंने भी उर्दू ड्रामा में बहुत काम किया, लेकिन फिर मैंने छोड़ दिया सर, क्योंकि मैं आज भी इस प्लेटफॉर्म पर बैठकर ये बात कहती हूँ और हमेशा कहती हूँ कि सिंधी आर्टिस्टों को फिर भी काम तो मिलता है, लेकिन फिर भी उनको जो है ना थोड़ा सा बैकवर्ड किया जाता है, बोल सकते हैं किया जाता है सर, आप नहीं बोलेंगे जाहिर है, क्योंकि मैं बोल सकती हूँ। और जब मैंने बीच में काम छोड़ा था और दोबारा से मैं जब काम स्टार्ट करना चाह रही थी, तो मुझे कहा गया कि आप जीरो से स्टार्ट करें। भाई क्यों जीरो से स्टार्ट करें, क्या हम आर्टिस्ट नहीं हैं? असल में मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, ये जो मीडिया का काम है ना, इसमें अगर आप गैप दे देते हो ना, तो वो फिर यकीनी बात है कि दोबारा आपको कमबैक करना पड़ता है, दोबारा अपने आप को मनवाना पड़ता है। लंबा अगर आप गैप देते हो, 5-6 साल 8 साल के बाद आते हो, तो फिर दोबारा आपको थोड़ा सा टाइम लगता है उसके लिए ना, क्योंकि एक नई पौध आ चुकी होती है, नई टीमें बन चुकी होती हैं, और यहाँ पर तो क्या बोलूँ, लॉबी सिस्टम तो हर जगह है। लॉबी सिस्टम हर जगह है, सही बात है। वक्त है ब्रेक, जो कारण बन जो जल्दी हाजिर आते हो। वेलकम बैक व्यूवर्स, मैं तव्हांखे भलीकार कंदासीं रंगन भरी शाम में, ऐं तव्हां बि असांजे प्रोग्राम में शामिल थी सघो था, असांखे कॉल करे सघो था। जीअं त मां तव्हांखे ॿुधाए चुकी आहियां त असां सां गॾु टीवी फिल्म ऐं थिएटर जो मशहूरु आर्टिस्ट मौजूदु आहे इलियास नदीम ख़ान साहब, हुननि सां गुफ़्तगू थी रही आहे। सर आपने कमर्शियल्स में बि माशाल्लाह बहुत काम किया है, जी जी, तो अभी रीसेंट आपका कौन सा कमर्शियल चल रहा है? अभी मेरा एक इन ड्राइव का चल रहा है। अच्छा, हाँ, कैसा लगा उसमें काम करके? अच्छा लगता है, कमर्शियल में तो ज्यादा अच्छा लगता है। सबसे ज्यादा खुशी तब होती है जब आपके हाथ में चेक आता है ना, अच्छा सा, फिर ज्यादा खुशी होती है। कमर्शियल जैसे करने में ये फायदा होता है, टाइम कम लगता है, फिर वहाँ पर माहौल बड़ा अच्छा मिलता है आपको ना, हर चीज वाफिर होती है। अच्छा, कितने कमर्शियल किए होंगे अभी तक आपने?
ये तो मुझे याद नहीं है, बहुत किए मैंने। अच्छा, बहुत किए। सही, बहुत ज्यादा डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स के और इस तरह के आपने कमर्शियल्स किए हैं। सही, ज्यादातर फैमिली वाले जो होते हैं। हाँ बिल्कुल, इस तरह का ही। अब इससे पहले मेरा एक बड़ा अच्छा वायरल हुआ था, वो मीजान बैंक का स्कैम का था ना, वसीम बदामी और मैं ही थे दोनों ना, तो वो भी बड़ा अच्छा हमारा हिट था। ये वो भी मेरा ख्याल है अभी ईद से कुछ टाइम पहले ही ऑनियर हुआ था। जी जी, हाँ हाँ हाँ, सही कह रहे हैं। तो मीजान बैंक का था, बड़ा अच्छा। और बाकी चलता रहता है काम कमर्शियल में। कमर्शियल ऐसी चीज है कि आप स्क्रीन जो है ना, 3 सेकंड में अपने आप को आप रजिस्टर्ड करवा देते हैं ना। अगर आपको 3 सेकंड स्क्रीन के मिल गए ना, तो वो चेहरा पब्लिक पहचान लेती है। सही। अच्छा, दूसरा आजकल हमारे पास एक एजेंसी काम कर रही है सिट्रस के नाम से। जी, तो उनके साथ कभी आपका इत्तेफाक हुआ काम करने का? बहुत, मैं उनके साथ ही काम करता हूँ ज्यादा। अच्छा, ज्यादातर उन्हीं के साथ काम करते हैं। हाँ, इनका काम अच्छा होता है। सिट्रस के साथ काम करता हूँ फ्रीलांस भी, मतलब ये कि काफी हैं, कोऑर्डिनेटर्स भी हैं काफी, तो करना पड़ता है। सही है, मगर सिट्रस के साथ काफी काम। नहीं, सिट्रस इस वक्त बहुत अच्छा काम कर रहा है। मेरा ख्याल है कि जब से सिट्रस ने कदम रखा और कमर्शियल्स हमारे कुछ बेहतर हुए हैं, वरना उससे पहले जो हमारे जो बहुत पहले जो कमर्शियल्स बनते थे वो तो बहुत अच्छे बनते थे, लेकिन बीच में एक टाइम आया था कि हमारे पाकिस्तान के जो कमर्शियल्स थे वो बैठ गए थे बहुत ज्यादा। सिट्रस तो मतलब टैलेंट प्रोवाइड करता है ना जी। कमर्शियल्स तो डायरेक्टर पर डिपेंड करता है। जामी साहब हैं, मलिक साहब थे, वो क्या नाम है, नाम जहन से निकल रहा है उनका, वो हैं जहीर साहब हैं। बाज डायरेक्टर इतने अच्छे हैं कि मतलब के कमर्शियल का क्रेडिट तो उनको ही जाता है। सिट्रस ये है कि टैलेंट देता बहुत है, बहुत अच्छा टैलेंट ला रही है। बहुत अच्छा टैलेंट ला रही और है। अच्छा है सिट्रस के और साथ। सबसे अच्छी बात ये कि ये बच्चे इनके पास बहुत हैं, चाइल्ड आर्टिस्ट देख लें कितने हैं इनके पास। जी जी, और मैं तो सबको यही कहूँगी कि भाई जेकर तहाँ भी चाहो था तो पेंचे बारड़न के जेको है कमर्शियल्स में आर्ण चाहो था, काई भी मतलब बारड़ी आ या बार आ है उनके शौक आ है कमर्शियल में कम करने जलाए जेके एडवर्टाइजमेंट्स जेके हलंदियों आहन, तो तहाँ सिट्रस टैलेंट के जेको है तहाँ सर्च कयो फेसबुक ते इंस्टाग्राम ते, तहाँ उन्हें सा कॉन्टैक्ट कयो, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी कराए सको था, उन्हें जो कॉन्टैक्ट नंबर भी आहे, ईमेल भी आहे, तो तहाँ पेंचे बार के उते रजिस्टर करायो, वो हिकड़ो नहीं तहाँ जो सिर्फ वठना हैं, बार जो ऑडिशन कंदा हैं, उन्हें खा पोई कोई भी सूटेबल कमर्शियल जे करे बार जे लाए हुंदो हो तो तहाँ के पाने ही कॉल कंदा। मेरा ख्याल है पिक एंड ड्रॉप भी देते हैं वो कमर्शियल की शूट पे। जी ठीक है ना। हाँ। मैं सिट्रस के हवाले से ये भी बात करना चाहूँगा कि मतलब अगर आप कोई फैमिली लेडीज़ बच्चियाँ भी आती हैं ना, तो एक बड़ा खूबसूरत माहौल है सिट्रस में। जी जी जी। कोई किसी किस्म की आपको हैरासमेंट नहीं है। नहीं नहीं नहीं, नहीं, बहुत अच्छा है। तो आप ये समझ गए कि आप अपने घर में जाके ऑडिशन दे रहे हैं। हाँ, हाँ। तो सिट्रस में मैं कोई 18 साल से उनके साथ काम कर रहा हूँ। माशाल्लाह, यानी बहुत अच्छी एजेंसी है, बहुत अच्छा काम कर रही है। स्पेशली मैं यहाँ पे नॉमिनेट करना चाहूँगी नाम दो, जवाद और फवाद, बहुत अच्छे हैं क्योंकि मैंने भी एक वक्त उनके साथ काम किया है। जी जी। और बहुत अच्छे फहद हैं, जवाद और जवाद। हाँ, फहद जो मालिक हैं, फहद नहीं फवाद। नहीं, जवाद फहद हमाद हमाद थे। हाँ, जवाद के साथ मैंने ज्यादा काम किया है। जी जी, जवाद साहब बहुत अच्छे आदमी हैं। ये बहुत अच्छे हैं ये लोग, और इनके साथ तो मतलब एक फैमिली वाला माहौल क्रिएट हो जाता है। अच्छा काम कर रहे हैं इस वक्त। सर, इसके अलावा अभी जैसे कोई और ड्रामा आपका आने वाला है या किसी पे काम हो रहा है आपका? मैं अभी थिएटर मेरा है सितंबर में, मैं करने जा रहा हूँ ना, एक तो वो है और एक मेरा ये प्ले है मेरे फ्रेंड की गर्लफ्रेंड ना, तो ये इसको फोकस किया हुआ है। इसको राइटर के साथ में बैठ के, राइटर बड़ा अच्छा है, वो बड़ा अच्छा लिख रहा है उसको, तो मुझे तो खैर ज़्यादा मेहनत उनके साथ नहीं करनी पड़ रही कि काम ही उनका इतना आला है। और टीवी के हवाले से भी चल रहा है काम, हम हवाई रोज़ी है। नहीं, नहीं, अल्लाह पाक बरकत दे इंशाल्लाह। कभी लिखने का ऐसा शौक हुआ जैसे पोएट्री वगैरह या पढ़ने का इस तरह? मैं थोड़ा सुस्त हूँ लिखने के मामले में ना, एक दफ़ा मैंने कोशिश की थी स्क्रिप्ट लिखने की, मगर वो होता था कि एक दो सीन लिखने के बाद नहीं यार, ये हमारा अच्छा, काम नहीं है, ये राइटर का ही काम है। और पढ़ने का इस तरह शौक?
आप पढ़ने का तो बहुत ज़्यादा है अब तो, खैर क्योंकि सब कुछ सोशल मीडिया पे आ गया है, तो पहले तो हम बहुत कुछ पढ़ा करते थे, डाइजेस्टें थी, नावल थे, अखबारात, रिसाले, ये सारा कुछ छानते थे, मगर अब तो बहुत ज़्यादा वो हो गया है कि आपको सोशल मीडिया पे ही सब कुछ मिल जाता है, सारे मैसेजेस तो आपको सोशल मीडिया सही पे मिल सही, जाते हैं। हर चीज़ आपको वहाँ पे मिल जाती है। ट्रैवलिंग का कभी शौक रहा? ट्रैवल किया कभी आपने? कहाँ हाँ है, ट्रैवलिंग का तो शौक है। कहाँ ट्रैवल किया है? मैं इतना खुशकिस्मत आदमी हूँ, मैं अपने पाकिस्तान से बाहर आज तक नहीं गया अच्छा हूँ चलिए ये भी बहुत अच्छी बात है कि एटलीस्ट आपने पाकिस्तान के अंदर तो ट्रैवल किया हाँ है ना, चारों सूबे अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह, देखे ये अच्छी मैं। बात है, ये अच्छा एक्सप्लोर किया आपने। वैसे वो कहते हैं कि लोग कहते हैं कि भाई स्विट्जरलैंड स्विट्जरलैंड है, मैं कहती हूँ कि आप पाकिस्तान घूम लें, आप कश्मीर चले जाएं, आप गिलगित बल्तिस्तान चले जाएं, आप स्कर्दू चले नारायण जाएं, आप स्विट्जरलैंड भूल जाएंगे, का आगान चले नारायण का जाए, आगान चले जाएं। नो डाउट बड़ा खूबसूरत है हमारा बाटा पाकिस्तान। कुंडी, मेरा ख्याल है किसी को पता भी नहीं होगा बाटा कुंडी का, कि आप ये बाबूसर टॉप क्रॉस करके और आप आगे जाएंगे तो बाटा कुंडी आता है, बहुत खूबसूरत वैली है, इतनी हसीन वैली है कि मैं एक दफ़ा जब वहाँ गई थी और मुझे अच्छी तरह से याद है, सुबह 7 बजे हम लोग वहाँ पहुँचे हैं पूरी फैमिली हमारी, और जिस होटल में हमने स्टे किया था सर, और जब मतलब मैंने जब खिड़कियाँ खोली हैं और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं वाकई जन्नत में, और नो हल्की डाउट हल्की बूंदा बांदी आई उन का अलावा हल्की हल्की थद आई उन सां गॾु जॾहिं गरम गरम कॉफ़ी पीती ना, वाकई लॻो त मां जन्नत में आया, और कॉफी वाकई पीने का मजा आपको नारायण में आता है नारायण जब में रात आता को है। आप हाँ बाजार में घूम रहे हो हाँ 2-3 बजे हाँ के टाइम पे ना, फैमिली के साथ होता हाँ है बंदा, तो वो कॉफी पीने का मजा ही अलग होता है। और आजकल वाकई ऐसा मौसम हुआ हुआ है कि बंदा चला जाए कराची छोड़ नो के डाउट वहीं वाकई नॉर्दर्न एरिया जी गाल थी तो नॉर्दर्न एरिया जी छिक महसूस थी, ऐं दिलि चवे थो त हींअर माण्हू होॾे हलियो वञे, छो जो जेका गर्मी आहे, पर बारिश थी आहे त इनशाला अलाह रहम कंदो, मॉनसून स्टार्ट थी चुको आहे, मौसम कुझु बहितर थी वेंदो, पर हे ई ॾींहं हूंदा आहिनि फैमिली ट्रिप जा, छो जो जून जुलाई 2 महीना मोकल मिलंदी आहे, त फैमिलीज़ घणो करे प्लान कंदियूं आहिनि त असां वञूं, पर हा सेप्टेम्बर में मां तव्हांखे स्पेशली मना कंदसि त सेप्टेम्बर में नॉर्दन एरिया जो रुख न कजो, छो जो शदीद बारिश थींदी आहे, लैंड स्लाइडिंग बि थींदी आहे, छो जो मूंखे ख़बर आहे मां नॉर्दन एरियाज़ तमामु घणो ट्रैवल कयो आहे, ऐं सेप्टेम्बर जे महीने में हिकिड़ो दफ़ो मां ट्रैवल कयो हुयो, मां ॾाढो किनो फाथी हुयसि, ऐं कोशिशि कयो सेप्टेम्बर खां पोइ या सेप्टेम्बर खां पहिरियां पहिरियां जेके ॾींहं आहिनि तव्हां उन्हनि में जेकॾहिं विज़िट कयो था तो वधीक सुठो आहे। सितंबर के बाद तो जाना बनता ही नहीं है ना, सेप्टेम्बर के बाद आपका तो जाना वो फिर बनता नहीं है, बर्फबारी लेकिन बन वो जाती हाँ है, आप लेकिन ये कि आप अगर नारायण का आगन तक तो जा बंद हो सकते जाता हैं। है वो, आप देखें अक्टूबर में आपको अक्टूबर में तो ऑलमोस्ट बंद हो जाता है सब, नारायण में हाँ बाजार ही बंद हो जाता है, बंद वो हो जो जो जाता है, भी वो वो होते बिल्कुल हैं बंद हो जाता क्योंकि है। हाँ बर्फबारी शुरू हो हाँ जाती है, हाँ सारे रास्ते ब्लॉक हो लेकिन ये कि जाते हैं। अयोध्या तक जा सकते हैं फिर भी हाँ इस तरफ जा सकते हैं आप, इस तरफ स्वात जा जाए, सकते हैं, हाँ स्वाद कश्मीर की की तरफ तरफ जा जा सकते सकते हैं। हैं, हाँ ये इलाके हैं अब्टाबाद। पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है, पाकिस्तान को अल्लाह पाक ने किस किस नेमत से नहीं नवाजा, काश हुक्मरानों से नवाज देता अच्छे जो इंशाल्लाह आवाम के सर, हक में होते। उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, उम्मीद पे दुनिया कायम है, और अल्लाह पाक भी यही फरमाते हैं कि मायूसी गुनाह है, मायूस नहीं होना चाहिए हमें। आप अपने फैमिली के हवाले से हमें बताएं, अपने बच्चों के हवाले से बताएं कि माशाल्लाह कितने बच्चे हैं, क्या कर रहे हैं वो, उनको किसी को टीवी का शौक या थिएटर का? मेरे बच्चे नहीं है, औलाद ओके नहीं है, है औलाद मेरी वो है जो मेरे भाई के बच्चे हैं, हम लोग ज्वाइंट फैमिली है ना, दो भाई हैं आई एम सो और सॉरी सर, मैंने आपकी दुखती रग पर नहीं हाथ कोई फेर नहीं कोई दिया नहीं कोई नहीं, मुझे एक्सट्रीमली सॉरी, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था इसका। नहीं कोई उससे नहीं है, बस मेरे लिए वो ही मेरे बच्चे हैं, जी जी पहले बिल्कुल भाई बिल्कुल थे अब उनके बच्चे हैं, बिल्कुल तो उनके साथ एक अच्छी है मतलब हमारी ज्वाइंट फैमिली सिस्टम है, तो उसमें बड़ा मज़ा आता है। अम्मी मेरी हयात हैं, माशाल्लाह 95 ईयर्स माशाल्लाह, और उनकी, आप क्या चाहिए और हाँ आपको? हाँ तो वालिद साहब का इंतकाल हो गया, बाकी सही अल्लाह का शुक्र है 5 बहनें अल्हम्दुलिल्लाह हैं, 3 भाई हैं हम माशाल्लाह। लोग। और किसी को फैमिली में नहीं हुआ शौक कि आपको देखकर ही, मतलब जैसे दूसरे बच्चे हैं या दूसरे भाई बहन हैं या कोई भी खानदान में, कि हमें भी एक्टर होना चाहिए इनकी तरह? नहीं ये तो हर बंदे की ख्वाहिश होती है, एक्टर बनना तो मेरे ख्याल में हर बंदे की ख्वाहिश है तकरीबन लेकिन चांस कम लोगों को तकरीबन मिलता है। हाँ वो अब हमारे पास यही होता है कि हमारे जितने हैं ना
बहुत से लोग रिश्तेदारों में भी आते हैं, फेसबुक पे इनबॉक्स में आएंगे, सर हम आपके फैन हैं, प्लीज़ हमारी रिक्वेस्ट, जब आप रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लें कुछ दिन तो वो सही चलेंगे, फिर अपना मुद्दा बयान करें, सर हमें भी ड्रामे में चांस दिला दें। अब हम उनको क्या बताएं कि हम खुद मतलब के चांस के लिए बैठे हुए हैं, ठीक है ना, हमें भी काम मिलता है। और फिर आजकल जो दौर है तो उसमें रॉ मटेरियल नहीं चलता, कुछ एक्सपीरियंस हो, कुछ हो ना, तो हर बंदा टीवी पे ड्रामा देखता है या वो समझता है कि यार मैं तो इससे अच्छा एक्टिंग कर लूंगा, जब वो कैमरे के सामने आते हैं तो फिर एक्सपोज होता है बंदा। सही, एक्टिंग मजाक बात नहीं है, आपने भी की है, तो बड़ा मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है वाकई, मतलब अपनी नींदें हराम करनी पड़ती है बिल्कुल, या तो फिर बंदा गॉड गिफ्टेड आर्टिस्ट हो ना, और या फिर मैं कहती हूँ जो भी काम करें आप अपना 100% दें उसके अंदर। जी बिल्कुल, आप उसको एज अ फन ना लें, मतलब ठीक है आप टैलेंटेड हैं, आपको एक्टिंग अगर आती है, गॉड गिफ्टेड भी है या आपने सीखी भी है, तो आप उसमें अपना 100% दें और भरपूर मन लगा के काम करें आप उसके अंदर, चाहे वो आपके एक्सप्रेशंस हो, आपके डायलॉग्स हैं, आप उसमें 100% दें। आजकल तो यहाँ पे ये भी होता है कि अगर हम अपनी मर्जी से भी कोई एक्सप्रेशन देते हैं तो समटाइम अगर डायरेक्टर कहते हैं कि आपने ये एक्स्ट्रा एक्सप्रेशन क्यों दिया, तो उस पर भी लोगों को बुरा लग जाता है कि यार मेरा मतलब मैंने एक्सप्रेशन दिया, मुझे समझ आया तो मैंने दिया है, जहाँ पे आपको ज़रूरत नहीं आप ना दें, लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा भी बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। देखिए चंद आर्टिस्ट हैं, मतलब एक दो हैं जो हमारे साथ काम ही करते थे या ये ना, तो बहुत ज़्यादा एक्टर थे, बहुत ज़्यादा एक्टर होना भी जो है ना वो पब्लिक लाइक नहीं करती फिर उस चीज़ को, बहुत ज्यादा जो एक्टिंग में काउंट हो जाता है फिर। ओवर एक्टिंग नहीं, वो वैसे ही लगता है, ओवर एक्टिंग नहीं करो, करेक्टर में भी होते हैं ना, मगर वो लगते हैं कि यार नहीं ये सेट पे भी जब आते हैं तो वो बिहेवियर उसका यही होता है कि यार बहुत ज्यादा उसमें एक्टिंग कूट कूट के भरी हुई है, तो वो फिर पब्लिक उसको लाइक नहीं करती, थोड़ा सा आप तिश्नगी रहने दें। हाँ हाँ, नहीं ये हकीकत है, मतलब जिथे जरूरत आहे एक्टिंग जी उते कयो, हरू भरू जी एक्टिंग न कजे तो बेहतर आहे। अच्छा आपको कभी इस तरह के कमेंट मिले कि आप स्क्रीन पे तो एक्टिंग कर रहे हैं लेकिन रियल लाइफ में भी आप एक्टिंग ही कर रहे हैं? नहीं मुझे तो अल्लाह का शुक्र है ऐसे नहीं मिले। नहीं कभी भी नहीं, मुझे एक्टर लोग एक्टर ही नहीं मानते। नहीं नहीं सर, स्क्रीन में भी नहीं है तो घर में भी नहीं है तो बाहर। अच्छा कभी आपने कोई इस तरह विलन का कैरेक्टर किया? जी जी बहुत किए हैं। अच्छा बहुत किए मैंने शॉर्ट फिल्म बनाई है, मतलब यूट्यूब के लिए उसमें किया है। अब मुझे असल में खुद मजा आता है ना कॉमेडी में। हाँ कॉमेडी करके मजा आता है सर, कॉमेडी बहुत मुश्किल है, मैं कहती हूँ थिएटर और कॉमेडी ये दो चीजें हैं जो इतनी मुश्किल हैं कि हर कोई नहीं कर सकता। जी जी, तो कॉमेडी के अंदर तो फिर आपको मवाद भी उतना ही चाहिए होता है। कॉमेडी में ये होता है ना कि आप खुले होते हो, अगर टीवी भी कर रहे हो थिएटर भी कर रहे हो ना, तो उसमें आपको अब देखें टीवी की एक्टिंग और थिएटर की एक्टिंग में बहुत फर्क है, बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। वो कट टू कट तो चल जाता है कि चले है ना, मगर वो थिएटर में आपको पूरी बॉडी ने है ना, बॉडी लैंग्वेज जो है ना आपको पूरा एक्ट करना होता है। ठीक है चेहरे पे तो आप टीवी पे आप करें तो आपके एक्सप्रेशन भवें आ गई, चेहरा आ गया, ये एक्सप्रेशन दे दिए ना, अब टीवी स्टेज पर तो 500 लोग बैठे हुए आपको वहाँ देख रहे हैं, तो वो फिर आपको पूरा बॉडी लैंग्वेज जो है वो एक्टिंग करता हुआ नजर आना चाहिए, चेहरा तो इतना क्लोज नहीं जाता या ये चीज़ें। ये सही बात है, और मैं कहती हूँ कि अगर एक्टिंग भी करें तो वो भी कॉमेडी भी करें तो वो भी ओवर ना लगे। हाँ। ऐसी कॉमेडी हो कि आपको हंसी आए, फजूल की ऐसी कॉमेडी ना हो कि बस बंदा देखे और कहे कि यार क्या कर रही है। आजकल इस तरह की भी कॉमेडी बहुत चल रही है। हाँ है, ऐसा भी है, बहुत ज़्यादा ओवर भी हो जाते हैं कॉमेडी। मैं समझता हूँ कॉमेडी ये नहीं है कि पब्लिक हंस हंस के उनके पेट में बल पड़ जाए, नहीं, नहीं नहीं नीचे गिर जाए, एक अच्छी कॉमेडी होनी चाहिए, अच्छी कॉमेडी। हाँ ग्रेस होना चाहिए, ग्रेस होना चाहिए, जैसे हमारी मोमो है हिना दिलपजीर साहिबा। हाँ। अब उनको देख लें क्या कमाल का, मतलब एक उनका कैरेक्टर है और आज तक वो छाई हुई है मोमो के कैरेक्टर में, नो डाउट मोमो के। और मैं कहती हूँ कि वो कैरेक्टर बना ही इनके लिए, वो एक्ट्रेस ही इतनी बड़ी है। हाँ। वो बहुत बड़ी आर्टिस्ट है, कभी इत्तेफाक हुआ उनके साथ काम करने का? जितना उनका मवाद था ना वो उनसे कुद्दूसी साहब की बेवा में निकलवा लिया गया। वाकई मैं कहती हूँ कि पता नहीं कितने कैरेक्टर्स उन्होंने प्ले किए हैं उसके अंदर,
कभी आपका इत्तेफाक हुआ उनके साथ काम करने का? जी जी, मैं बुलबुल में काफी काम किया। अच्छा अच्छा, बुलबुल है कि अगर आप देखें, मैंने जावेद साहब उसमें काफी सही, मैं नादानिया में बहुत काम किया। अच्छा अच्छा, मुझे मजा आया। यासिर नवाज साहब हाँ, बड़े डायरेक्टर हैं, अच्छे डायरेक्टर हैं। मैंने उनमें एक ये चीज देखी है कि वो सीरियस काम भी जो करते हैं ना, बहुत अच्छा, जो भी चीजें उनका ये होता है। जैसे अभी हम कहीं और शूट कर रहे हो ना, तो कहीं आप लाइन भूलते हैं तो चलो जी आगे बोलो ना, ठीक है, मगर वो दोबारा शुरू से करवाते हैं। उनकी थिंकिंग ये है कि यार एक्सप्रेशन टूट जाते हैं बंदे के। सही है, अगर आप बिल्कुल मतलब होल्ड भी कर ले तो वहाँ एक्सप्रेशन, और फिर दूसरी जगह जब ऐसा होता है ना, होल्ड करके एक्सप्रेशन आप नहीं छोड़ रहे, फिर भी वो कर रहे हैं, मगर वो इस चीज को नहीं कर। मैंने जो देखा था उनके साथ ना, तो नो डाउट अच्छे जबरदस्त। सर आपको सिंगिंग वगैरह का शौक है? सिंगिंग का शौक है? हाँ, बहुत शौक है मुझे। कुछ सुनाइए ना फिर। अच्छा, सुनाना पड़ेगा, गाना वाना सुनाए ना कोई। यार क्या सुनाऊं मैं आपको, जो आपका दिल करे अच्छा सा कोई गाना। मैं बड़ा शौक है। चले ये तो फिर अच्छी बात है, आपको शौक है तो। नय्यर नूर का गाना जी जी जरूर जरूर। तो क्या है, अच्छा जी, तुझ बिन पिया जी अमोरा नहीं लागे, तड़पे हैं तरसे हैं सारी रात जागे, मानोगे कैसे पिया ये बता दो, जिस दिल में रहते हो उसको ना सजा दो, वरना मैं रो दूंगी फिर ना कभी बोलूंगी, अपनी चाह दे दूंगी, रूठे हो तो तुमको कैसे मनाऊं पिया, बोलो ना। जबरदस्त। वैसे आपको सिंगर कौन पसंद है? वक्त के हिसाब से सारे, मतलब मैं मतलब चेंज होते रहते हैं ना। अच्छा, तो हर एक ने अच्छा गाना गाया। अली अजमत हैं, जुनेद जमशेद थे, या जो भी जितने में हमारे यंगस्टर रहे हैं, पुराने हमारे मेहदी हसन साहब, और उनका तो एक अलग ही वो है। तो जो भी गाना अच्छा लगता है तो मैं तो। और मूवीज वगैरह का शौक, कभी मूवीज में इत्तेफाक हुआ काम करने का? नहीं, मूवीज में तो नहीं हुआ अभी तक इत्तेफाक ना। हाँ, ख्वाहिश है, ख्वाहिश है। हाँ, कोई देख रहे तो भाई यासिर नवाज साहब को बोले ना, वो बनाते हैं ना मूवीज। यासिर नवाज साहब बनाते हैं ना मूवीज, वो आपको कास्ट कर सकते हैं इसमें। बस क्या बोले अभी। उनकी अच्छी दो तीन मूवीज आई थी, और मेरा ख्याल है, अच्छा ये मूवीज का सिलसिला, चलें इस पे बात करते हैं ब्रेक के बाद। आई वक्त है ब्रेक, जो कार्य नवन जो जल्दी वापस आ जाओ। वेलकम बैक व्यूअर्स, बेहर तहां के भलीकार कंदासी रंगन भरी शाम में। वक्त तमाम घट रहिजी वियो आहे, कचहरी इलाही करणी आहे, पर ज़ाहिर आहे वक़्तु घटि आहे त मुख़्तसर ही कचहरी थी सघंदी सर सां। सर, जैसे पश्तो ड्रामास भी आपने बनाए हैं, तो आपकी तो लैंग्वेज है, आपको तो बड़ा मज़ा आता होगा उसमें काम करने में, तो आप बताइए कि आजकल पश्तो ड्रामास या सॉन्ग्स इस पर कुछ काम चल रहा है? नहीं, मैं समझता हूँ कि पश्तो में जो पहले काम हो रहा था वो बड़ा बेहतरीन हो रहा था। अच्छा, अब उस लेवल का काम नहीं हो रहा। अच्छा, हाँ। वजह क्या है, मतलब एक्टर्स नहीं है, डायरेक्टर्स नहीं है, या स्क्रिप्ट नहीं है, क्या है? जो पीटीवी पे हमने काम देखा है, इस्माइल शाहिद साहब थे या शहजाद रहीम साहब थे, डायरेक्टर्स भी इतने अच्छे थे, अब भी है डायरेक्टर, मगर चूंकि एक चैनल है या दो चैनल हैं, अब उन्होंने अपना एक सेटअप बनाया हुआ है कि वो ड्रामे को ज़्यादा वो नहीं करते, ठीक है। अब क्या बोलूं, मुझे तो मज़ा नहीं आया। सही। अब जो है वो ड्रामे इतने अच्छे नहीं हो रहे पश्तों में।
खासतौर पे जो पहले होते थे तो पिशावर टीवी से होते थे सही। या जो चीजें क्वेटा सेंटर से भी होते थे क्वेटा सेंटर से होते थे तो मतलब वो एक मयारी काम होता था, अब वो चीज नहीं है। अब मेरा ख्याल है जो भी पख्तून जितने भी एक्टर्स है वो सारे कोशिश उनकी यही है कि हम उर्दू ड्रामास में ज्यादा फोकस है उनका कि यहां नहीं पर है, आकर नहीं है। देखिए मैंने देखा है कि केपीके के आर्टिस्ट ज्यादा कराची में आपको नजर नहीं आएंगे, कम नजर। वो चाहते हैं कि अपनी जगह पे काम मिले पिशावर में या इब्टाबाद में या इस्लामाबाद में, वहां पर ना। और चैनल है बहुत मादरत के साथ, चैनल पे इस तरह के लोग बैठ गए हैं कि वो ये चीजें ज्यादा लाइक करते हैं कि ये सोफा सेट वाले प्रोग्राम चलें। सुबह स्टार्ट होता है प्रोग्राम, रात तक आप चले जाएं तो वो इस तरह की चीजें, वो ड्रामे से वो दूर भागते हैं क्योंकि ड्रामे में मेहनत करनी पड़ती है। ये तो आए सेटअप लगा हुआ है तो आप आए बैठे और चले गए। हाँ, इस तरह तो ड्रामा बहुत जरूरी है। तो अच्छा, ज्यादा मैंने देखा है कि बच्चे या बच्चियां जो भी मतलब पख्तून जो नजर आती हैं या नजर आते हैं तो वो ज्यादा मॉडलिंग की तरफ भी आ रहे हैं। मॉडलिंग की तरफ ज्यादा अब ज्यादा आ रहे हैं, कमर्शियल्स में भी नजर आते हैं कभी कभी, या कभी रैंप मॉडलिंग की तरफ भी नजर आते हैं, पहले नजर नहीं आते थे। जी जी, उससे ये है कि कमर्शियल से बाज आर्टिस्ट ऐसे कमर्शियल से क्लिक करके वो गए और फिर उनको बड़े अच्छे करेक्टर मिले हैं। सोनिया जो है, सोनिया हुसैन है, सोनिया हुसैन जी जी, एक तो सोनिया हमारी सीनियर आर्टिस्ट ना, एक आजकल एक बच्ची है वो ना। अच्छा, तो पहले वो कमर्शियल ही करती थी मगर आज देखें वो बड़ा नाम है उनका। तो यहाँ से भी आपको एक प्लेटफॉर्म मिलता है, रास्ता मिलता है। सही, ठीक है। डायरेक्टर कोई भी चीज क्लिक देखा आपको उसको कोई करेक्टर, मैं मेरे लिए बड़े एजाज की बात है कि मैं एक प्ले कर रहा था तो कोर्ट नंबर 5 समर टीवी का, तो उसमें मैंने एक करेक्टर किया था। तो रमजान में मेरे पास एक दिन कॉल आई, अस्सलाम वालेकुम, मैंने कहा वालेकुम सलाम, मैं हैदर इमाम रिजवी बात कर रहा हूँ। अब वो मुझे बड़ी हैरत हुई, तो उस वक्त वो बोल टीवी जो जी जी बहुत ही उरूज पे जा रहा था, एग्जीक्यूटिव ऑफिस यही होता था खैबान इत्तेहाद पे ना, उनका तारिक रोड पे ऑफिस था। नहीं नहीं, हैदर इमाम साहब को तो तारिक रोड पे घर भी था और वो ऑफिस भी था उनका। तो यहाँ पर ना, तो मैं तो बड़ा चौंक गया। तो फिर उन्होंने कहा कि मैं इस तरह बोल टीवी के प्ले है तो उसमें मैं आपको कास्ट करना चाहता हूँ। ये तो मुझे बड़ी हैरत हुई, मैंने कहा इनको कहाँ से, मैंने उनसे पूछा, मैंने सर आपने कहाँ से, मतलब क्ले यार मैंने तुम्हारा वो प्ले देखा है ना, तो उसमें एक लीड पे जो करेक्टर कर रहे थे वो दूसरे साहब थे। तो मैंने कहा सर आप कहीं कन्फ्यूजन तो नहीं है, वो तो वो साहब है। कह नहीं नहीं मैं आपकी, तो उनको देखें जस्तुजू होती है डायरेक्टर कहाँ से आपको पकड़ता है। उन्होंने वहाँ डायरेक्टर को फोन किया, उनके पास मेरा नंबर नहीं। फिर आबदा हमीद जो आर्टिस्ट हैं उसमें जो वकील का वो करती हैं, उनसे उन्होंने नंबर पा रहा, उनके पास नहीं, तो उनके असिस्टेंट थे ठीक है अपना घुमरो साहब ना, उनसे उन्होंने फिर वो नंबर लिया और फिर मुझे कॉल की। फिर मैं यहाँ पर आया और बड़ी मतलब मेरे लिए तो बड़े एजाज की बात है कि हैदर इमाम रिजवी साहब के क्रेडिट पे कितना काम है। बहुत काम है सर, कितने ऐसे मतलब मैं कहती हूँ कि आर्टिस्ट हैं जो उन्होंने लॉन्च किए और रात रात उनको स्टार बना दिया। और फिर मैं मतलब मेरे लिए बड़ी वो बात कि मैं आया तो आगे सवेरा नदीम और को उन्होंने लॉन्च किया था, सुहेल असगर साहब ये लोग बैठे हुए उनके साथ, सुबह इकबाल को उन्होंने लॉन्च किया था। नहीं ये जो मैं मुझे जब उन्होंने यहाँ बोल पे बुलाया जब मैं गया तो ये लोग बैठे हुए थे और मेरे लिए तो बड़ी वो बात। तो फिर उन्होंने तारुफ भी कराया कि मैं इनसे ये करेक्टर करवा रहा हूँ ये सारा कुछ ना, और वो बेड लग गया हुआ कि फिर बोल पे वो बड़ा लंबा अजाब आ गया था। हाँ क्योंकि तो इसी तरह ही उस टाइम पे ये बहुत माशाल्लाह एक्टिव थे, वैसे ही शुरू से बहुत एक्टिव थे, लेकिन पीटीवी का वो दौर जब उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया, उसके बाद बोल चैनल वाला वो एक टाइम आया था जहाँ पे हमारी भी मतलब कुछ मीटिंग्स वगैरह हुई थी, कुछ प्रोजेक्ट्स हमने डिस्कस किए थे, बस वो किस्मत में नहीं था, नहीं था। लेकिन ये है कि बहुत नाइस इंसान, बहुत अमेजिंग इंसान। आज ऐसे डायरेक्टर्स की हमारे मुल्क में बहुत कमी है सर। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये जो जो आपने बात की ना कि कमर्शियल से या इससे, तो डायरेक्टर कैच कर लेते हैं जो उनको करेक्टर चाहिए वो, फिर वो जो बड़े डायरेक्टर होते हैं जो हैदर इमाम रिजवी साहब की तरह, काजिम पाशा साहब की तरह, जहीर साहब, जो और भी हमारे बहुत से डायरेक्टर हैं,
तो वो फिर कंप्रोमाइज नहीं करते। आप यकीन करें आज आपके साथ बात करके ना मुझे अपना वो टाइम याद आ गया, स्ट्रगलिंग टाइम याद आ गया, जब मैंने मतलब समझे कि एक काम स्टार्ट किया था, स्ट्रगल स्टार्ट की थी, ये वही लोग वही सारी बातें, और आज मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे आज भी मैं स्ट्रगल ही कर रही हूँ। बिल्कुल यही है, क्योंकि सर्कल तो वही है ना जी, काम करने वाले इदारे तो वही है ना, आप भी वहीं से काम कर रहे हैं, मैं भी वहीं से काम करके आई हूँ, तो आज सारी वो चीजें जैसे ताजा हो गई हैं बातें। जी बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही होता ऐसा ही है, ऐसा ही। बहुत शुक्रिया सर, आपसे गपशप की, मजा आया, और अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली जिंदगी अता करे, खुश रहें, और मजीद अल्लाह पाक आपको कामयाबियां अता करे। जाते जाते कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज क्या दूं, बस यंगस्टर के लिए ये मैसेज है कि आप आए तो अपने काम पे फोकस करें, ठीक है। एक मुकाम बनने में टाइम लगता है, आते ही आपको या तो फिर बहुत लक्की हैं आप तो क्लिक कर जाते हैं, और अगर काम अपना काम पे फोकस करेंगे बजाय दूसरे कामों के तो फिर आगे बढ़ने का चांस होता है। तो नए लोगों के लिए तो मेरी यही वो है, बाकी क्या मैसेज हो सकता है, अल्लाह पाक हम सबको खुश रखे, आमीन, आमीन, और हमारे पाकिस्तान को अल्लाह पाक कामयाबी दे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, आमीन। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ऐं वींदे वींदे जेको आहे हमेशा जीअं तव्हांखे ॻाल्हि ॿुधाईंदसि, अॼु जी सुठी ॻाल्हि जेका अज़र भाउ हमेशह मूंखे लिखी ॾींदा आहिनि। सो अॼु जी बहितरीन ॻाल्हि इहा आहे त इहा बि नाशुक्री आहे त सिज पंजे वॻे थो उभरे ऐं कारोबार यारहें वॻे थो खुले, जॾहिं त सिज सते वॻे थो लहे ऐं असीं बतियूं ॿारे राति जो ॿारहें वॻे ताईं मसनूई रोशनियुनि में पंहिंजो कारोबार था करियूं। सो वाकई इहा हक़ीक़त आहे त जीअं सिज उभरे थो त असांखे पंहिंजो कारोबार उन ई वक़्तु स्टार्ट करणु खपे, ऐं सिज लहे थो त उन ई वक़्तु असांखे पंहिंजो कारोबार बंदि करे ऐं घरनि जी तरफ़ रवाना थियणु घुरिजे। पर अॼुकल्ह जो जेको माहौल आहे तव्हांखे ख़बर आहे, असांखे ज़रूरत पवंदी आहे कंहिं न कंहिं शइ जी, मार्केट जे लाइ असां इंतज़ारु कंदा आहियूं, ॾह थींदा आहिनि, असांखे टेंशन चढ़ी वेंदी आहे त बसि हाणे जल्दी सां मार्केट वञूं, पर ख़बर पवंदी आहे त ॾेढ बजे खां पहिरियां दुकाननि नथा खुलनि, यानी सम्झो त ज़ोहर जी नमाज़ खां पोइ वञी तव्हां मार्केट में चकर हणी सघो था, ऐं उन खां पोइ राति वेंदे ताईं तव्हांखे जेतिरी शॉपिंग करणी आहे तव्हां कयो। सो इहो अमल बि सुठो न आहे, जेकॾहिं असां पंहिंजे कारोबार खे अञा बहितरु करणु चाहियूं था, ऐं जेकॾहिं बिजली बचाइणु चाहियूं था, जेकॾहिं सुठा सुठा अमल करणु चाहियूं था, बहितरी आणणु चाहियूं था पंहिंजे पाकिस्तान जे लाइ, त असांखे इन्हनि शयुनि ते बि थोरो ध्यानु ॾियणो पवंदो। इनशाला ज़िंदगी रही त तव्हां सां सुभाणे मुलाक़ात कंदासीं, बारिश जेकॾहिं थिए थी त इंजॉय कयो, ऐं तमामु घणो ख़्यालु बि रखो पंहिंजो ऐं पंहिंजे प्यारनि जो। मूंखे RBS जी पूरी टीम खे ॾींदा इजाज़त, अलाह हाफ़िज़।